अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेरी गुड भाई। आज तो वेदर कितना अच्छा हो रहा है, आज तो रेनी वेदर है भाई। कल तो बहुत मज़े की बारिश हुई थी, याद है आप लोगों को? कल आप लोगों ने कितना इन्जॉय किया था। बारिश में खूब नहाया होगा। वाह भाई, बहुत मज़ा आया था कल तो, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वाह, और क्या किया था आप लोगों ने कल? पढ़ाई की थी या सिर्फ बारिश में नहाया था, इन्जॉय किया था? पढ़ाई भी की थी, वेरी गुड। तो अच्छा जी, आज चलें, आप लोगों ने कल पढ़ाई कर ली थी, इन्जॉय भी किया था, तो आज हम ऐसा करते हैं, आज हम आपको कुछ भी नहीं पढ़ाते। पढ़ाएं? चले नहीं पढ़ाते भाई, आज सिर्फ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? चलें भाई, आप लोग खेल खेल के थक गए होंगे, तो आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके ओके, अच्छा भाई, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम टी सेट डिस्कस करेंगे। वाओ, आप लोग को पता है हम किस तरीके से सेट्स बनाते हैं? याद आया आप लोग को, हमने जिस तरीके से डिनर सेट बनाया था, और कौन सा सेट बनाया था? हमने ज्वेलरी सेट बनाया था। इसी तरीके से आज हम क्या बनाएंगे? टी सेट बनाएंगे। भाई आपने अपनी मम्मा से पूछा, आप अगर आपकी मम्मा आपके साथ बैठी हैं तो आप अपनी मम्मा से कहिएगा कि वो आपको शो कर देंगी, ठीक है? जब क्लास ख़त्म हो जाएंगी ना, फिर आपकी मम्मा आपको शो कर देंगी। अच्छा, आपको पता है टी सेट टॉयज में भी मिलता है। आपकी सिस्टर होंगी ना, आपकी सिस्टर के पास होगा, उन्हें छुपा के रखा होगा, आप उनसे कहिए वो आपको देंगी। अच्छा, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं टी सेट में? चले मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ। भाई ये देखिए, ये क्या है? दिस इज़ अ कप। क्या है ये? कप। दिस इज़ अ कप। और क्या है कप में? हम क्या करते हैं? चाय डालते हैं। यस। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज़ अ सॉसर। दिस इज़ अ सॉसर। आपके घर में होगी, जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो मम्मा इस सॉसर में इस तरीके से कप रख कर सर्व करती होंगी उन्हें चाय, है ना? याद आया आप लोगों को? तो हम इसे क्या कहते हैं? कप सॉसर, कप सॉसर, कप सॉसर। वेरी गुड। ओके, और ये क्या है भाई? ये देखें, ये क्या है मेरे पास? ये कैटल होती है। हम इसे क्या कहते हैं? कैटल। क्या कहते हैं? कैटल। इसमें मम्मा क्या डालती हैं? पूछा आप लोगों ने मम्मा से? चले मैं बताती हूँ, इसमें हम चाय डालते हैं। क्या डालते हैं? चाय डालते हैं। यस। और आपने देखा है और क्या होता है टी सेट में? भाई मिल्क पॉट भी होता है जिसमें मिल्क डाला जाता है। चाय किस तरह से बनती है भाई? चाय में मिल्क तो बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मिल्क पॉट भी होता है, ठीक है? और क्या होता है? और भाई शुगर पॉट भी होता है। जब आप अपनी मम्मा से कहेंगे ना, वो आपको दिखाएंगी, ठीक है? और बस यही चीज़ें होती हैं। जब ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं तो हम इन्हें कप, सॉसर, कैटल, शुगर पॉट, मिल्क पॉट, ये अलग अलग चीज़ों के नाम दे रहे होते हैं, ठीक है? मगर जब हम इन्हें कंबाइन कर देते हैं, जब ये एक बॉक्स में आ जाती हैं, तो फिर ये क्या बन जाता है? एक सेट बन जाता है। ये क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। और हम उसे क्या कहते हैं? टी सेट। क्या कहते हैं? टी सेट। यस, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने डिनर सेट बनाया था। याद आ गया ना? उसमें बड़ी प्लेट्स थी, छोटी प्लेट्स थी, इनको सबको हमने अलग अलग नाम दिया था, मगर जब हमने कंबाइन किया था तो हमने क्या कहा था? ये कंप्लीट सेट है। क्या है? सेट है। और हम इसे क्या कहते हैं? डिनर सेट। क्या कहते हैं? डिनर सेट। इसी तरीके से ये सब जब अलग अलग होते हैं तो हम इन्हें अलग अलग नाम दे रहे होते हैं, मगर जब ये कंबाइंड हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? हम इसे एक सेट बना देते हैं, और ये क्या होता है? टी सेट।
चलें टी सेट में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी पिक्चर है। भाई बुक के पेज पर आ जाते हैं हम। सबसे पहले आप डेट डाल लीजिए, ठीक है। मम्मा से कह दीजिए, मम्मा प्लीज़। डाल दी मम्मा ने, वेरी गुड। ओके, अब हम क्या देखेंगे? आइकन्स। आइकन्स में पहला आइकन क्या है हमारे पास? रीड। भाई फिंगर आ जाती है तो हम समझ जाते हैं अब हमें क्या करना है, रीड करना है। और दूसरा आइकन कौन सा है भाई? वही बिल्ली साहिबा आ जाती हैं हर पेज पर। फिर वो कहती हैं कि जल्दी से क्रेयॉन्स उठा लें और कलरिंग स्टार्ट कर दें। तो भाई हमें तो उनकी बात माननी पड़ती है और हमें कलरिंग करनी होती है। वेरी गुड। चलें अब हम देखते हैं कि भाई इस पिक्चर में क्या हो रहा है। इस पिक्चर में पार्टी हो रही है। इस पिक्चर में देखें, मुझे तो अहमद नज़र आ रहे हैं और अहमद के साथ ज़ेब्रा भी नज़र आ रहे हैं। वाव, और कौन है भाई? किटन भी बैठी हुई हैं। भाई इनका बहुत अच्छा सा गार्डन है जहाँ पर ये सब बैठकर इवनिंग में क्या कर रहे हैं, टी पार्टी कर रहे हैं। चलें अब हम स्टोरी देखते हैं कि स्टोरी में हमें पता चल जाएगा कि ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ओके। वन फाइन इवनिंग अहमद एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू हैव टी इन द गार्डन। वाओ, देखा, उन्होंने गार्डन में बैठकर डिसाइड किया कि हम चाय पियेंगे। बटरफ्लाई सर्व टी इन अ ब्यूटिफुल टी सेट। वाओ, देयर वॉज अ कैटल, मिल्क पॉट, शुगर पॉट एंड सम कप्स विद सॉसर्स इन द टी सेट। टी सेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई? कैटल होती है, मिल्क पॉट होता है, शुगर पॉट होता है, कप्स होते हैं और सॉसर्स होती हैं। अहमद मेड टी फॉर एवरीवन। द किटन लव्ड लाइकिंग सो ही हैड हिज टी इन द सॉसर। अहमद ने भाई सब के लिए टी बनाना शुरू किया। और आपको पता है कि किटन को क्या पसंद होता है भाई? उन्होंने क्या किया, अपनी जो है वो चाय सॉसर में ली ताकि वो जल्दी से अपनी प्यारी प्यारी सी रेड टंग से करके पी सकें। वाओ, ज़ेब्रा हैंड सो इंजर्ड सो ही आस्क्ड अहमद टू हेल्प हिम टू टेकिंग टी। भाई ज़ेब्रा का हाथ इंजर्ड था तो उन्होंने अहमद से कहा कि वो उन्हें चाय डाल कर दें। अहमद पोर्ड सम टी इन ज़ेब्रास माउथ। अहमद ने टी जो है वो उनकी पूरी तरीके से हेल्प की। भाई पार्टी में भी हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए अहमद ने ज़ेब्रा का ख्याल रखते हुए उन्हें एक चम्मच से चाय पिलाई। वाओ, बटरफ्लाई सेड टुमारो वी विल हैव टी इन द न्यू टी सेट। वाओ भाई, बटरफ्लाई के पास कितने सारे टी सेट हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई नेक्स्ट डे हम टी सेट न्यू लेंगे और उसमें पार्टी करेंगे। एवरीवन इज क्लैपिंग हियरिंग दिस। वाओ प्यारे बच्चों, अब आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आपने अपनी मम्मा से कहिए कि वो आपको टी सेट शो करेंगी, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर्स में भी दिखाया, ठीक है। अब आपने अपनी मम्मा से भी कहना है वो आपको रियल में दिखाएंगी, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, उसकी पिक्चर्स ले लीजिए और वो पिक्चर्स आप क्या करेंगे, उसके स्क्रीनशॉट्स अपनी टीचर को सेंड करेंगे। और फिर क्या करना है, आपने इस पिक्चर्स में अच्छी सी कलरिंग भी करनी है, ठीक है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।